Hello everyone, welcome back to Cookingstation Around The Kitchen and I hope you all are doing really good. So friends, आज हम बनाने जा रहे हैं स्पिनिच ऑमलेट. बहुत ही हेल्दी, ईजी, सिंपल सी रेसिपी है एंड बहुत ही ज़्यादा फिलिंग है. सो स्कूल गोइंग बच्चों के लिए और इवन बड़ों के लिए भी बहुत अच्छी है. स्टार्ट करते हैं. मैंने यहाँ पर एक एग लिया है. मैं एक ऑमलेट बना रही हूँ सिर्फ, तो एक एग यूज़ कर रही हूँ. ये मैं फ्री रेंज वन यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं. उसके अलावा ये 50 ग्राम्स पालक है, अच्छे से वॉश की हुई है और बारीक काटी हुई है. बारीक काटने से एक तो ये कि आपका ऑमलेट जो है बहुत अच्छा बनता है, दूसरा वो कच्चा भी नहीं रहता. और यहाँ मैं एक टेबलस्पून मिल्क यूज़ कर रही हूँ. मिल्क यूज़ करने से ऑमलेट जो है वो थोड़ा सा फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनता है. अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप इसको स्किप कर सकते हैं. फिर मैंने काली मिर्च और सॉल्ट लिया हुआ है, दैट्स इट. और जो मैं ऑमलेट बनाऊंगी वो बटर में बनाऊंगी, आप चाहे तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अंडे को क्रैक करके इसको हम फेंटेंगे अच्छे तरीके से और साथ ही मैं इसमें मिल्क ऐड कर दूंगी. बहुत बारी कई लोग पानी भी ऐड करते हैं, पानी भी सेम ही काम करता है. उससे क्या होता है कि ऑमलेट जो है उसमें जालियाँ ज़्यादा पड़ती हैं, वो सॉफ्ट बनता है, दैट्स इट. और इसको हाफ फेंटने के बाद हम इसमें जो ब्लैक पेपर और सॉल्ट है वो हम मिक्स करेंगे. सॉल्ट थोड़ा सा कम डालेंगे क्योंकि मैं यहाँ पर सॉल्टेड बटर यूज़ कर रही हूँ. अगर आप ऑयल यूज़ करें तो आप उस हिसाब से सॉल्ट ऐड करें. और हमने ये पहले इसीलिए ऐड किया है क्योंकि जब अगर आप इसमें एक बार स्पिनिच ऐड कर देंगे तो सॉल्ट मसाले जो होते हैं वो मिलने में थोड़ी सी मुश्किल होती है. तो मेक श्योर कि पहले सब चीज़ को अच्छे तरीके से फेंट लें, उसके बाद इसमें पालक हम ऐड करेंगे. पालक आपको लगता है कि स्टार्टिंग में कि बहुत ज़्यादा है, बट नहीं, बिकॉज जो उसका जो सॉल्यूशन जो घोल बनता है अंडे का, उसमें आप कितना भी पालक डालेंगे वो आराम से प्रॉपर से ऑमलेट बनकर के रेडी हो जाएगा. तो मैंने एक जनरस अमाउंट का मैंने इसमें स्पिनिच यूज़ किया है. और फेंटने के बाद जस्ट नॉर्मल जैसे हम प्लेन ऑमलेट बनाते हैं इसी तरीके से बनाएंगे. पैन को गर्म होने दें. जैसे ही पैन गर्म हो जाएगा मेक श्योर कि जो गैस का फ्लेम है वो आप मीडियम कर दें. हमें ज़्यादा तेज आंच नहीं रखना है. उसका रीज़न है कि ऊपर से तो पक जाएगा, बट जैसे कि हम जब सब्जियां यूज़ करते हैं तो हमें उसको अंदर तक अच्छे से पकाना होता है, नहीं तो सब्जियों का कच्चापन आएगा. तो एक बार जब आप इसमें घोल को, बैटर को जब डाल दें तो इवनली हम इसको स्प्रेड कर देंगे पालक को पूरे ऑमलेट के ऊपर फोर्क की सहायता से, जिससे कि वो एक लेयर एक फ्लैट लेयर बन जाए. और फिर हम इसको लिड से ढक देंगे और हमें इसको 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम आंच पर ही पकने देंगे. और जब ये पक जाएगा तो हम इसको फ्लिप करेंगे. नॉर्मली हम इसको स्पैचुला से फ्लिप कर देते हैं, बट मैं यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक शेयर कर रही हूँ. अगर आप बिगिनर हैं तो हम क्या करेंगे कि जस्ट नॉर्मल, अगर आपको चम्मच से इसको पलटना नहीं आता है, लगता है कि ऑमलेट टूट जाएगा, तो आप एक प्लेट की सहायता से भी वो काम कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने इस वीडियो में दिखाया है. इससे क्या होता है कि ऑमलेट एक तो टूटता नहीं है, दूसरा अगर आपको डर है कि आपका हाथ जल जाएगा या कुछ होगा तो वो चीज़ भी नहीं होता है. और इससे बहुत अच्छी तरीके से आप पलट सकते हैं अंडे को. तो बस सेम ही तरीके से हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए दूसरी साइड से भी सेकेंगे. बार बार हमें इसको नहीं पलटना है, ठीक है. बस मीडियम फ्लेम रखना है और उसको एक साइड से सेक दें, फिर पलट दें, फिर दूसरी साइड से सेक दें, दैट्स इट. बार बार हम इसको नहीं पलटेंगे. और बस ये बन करके रेडी है. 5-6 से 7 मिनट के टाइम लगता है एक ऑमलेट बनने में. और अगर आप इसको उंगली से प्रेस करेंगे तो ये ऊपर की साइड आएगा. इसका मतलब है कि जो अंडा है वो पक कर के प्रॉपर से तैयार हो गया है. तो बस ये स्पिनिच ऑमलेट रेडी है. आप इसको आप बच्चों को दें, बड़े भी खाएं. बहुत हैवी, बहुत फिलिंग रेसिपी है. आई होप आपको अच्छी लगेगी. जस्ट ट्राई इट वंस एंड डू लेट मी नो. शेयर योर फीडबैक विद मी. एंड यस, इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप. एंड यस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी कुकिंग एंड हैप्पी ईटिंग.